हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो डिस्कसिंग दोल्यूशन ऑफ़ देशन बैंक ऑफ द फ्लूड्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स इस्टार्ट आवर डिस्कशन तो क्वेश्चन नंबर वन आपका क्या है फ्लूड्स में आपके पास यहाँ पे दो डिस्क दे रखी है इसमें जो डिस्क वन है इस पर नीचे एटमॉस्फेयर है डिस्क टू में नीचे वैक्यूम है मतलब एक बॉक्स लगा दिया है जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है तो अब आपसे क्या कह रहा है कि वॉट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द फोर्स नेसेसरी टू ओपन द डिस्क डिस्क को खींचने के लिए मतलब उठाना है आपको तो कितना डिफरेंस आएगा फोर्स का तो बेसिकली देखिए कोई बहुत टफ नहीं है आप सोचें तो देखिए क्या है वन और टू में क्या डिफरेंस है यहां से जो प्रेशर पी नॉट है यहां प्रेशर जीरो है तो ये पी नॉट जो है आपको ये एक्स्ट्रा यहां से फोर्स देगा पी नॉट इन ए जबकि यहां पे ऐसा फोर्स नहीं मिलेगा तो सेकंड वाले केस में आपको ये एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा खुद से क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके पास इसके डिस्क के नीचे है वो इसको ऊपर पुश कर रहा है अब आपको ऊपर ही खींचना है तो यहाँ पे उतना ही फोर्स ऊपर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो कितना फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको पी नॉट ए जो एटमोस्फेरिक प्रेशर पहले वाले में काम कर रहा था तो फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए तो आप लिख सकते हैं पी नॉट आपको दे रखा है वन जीरो पास्कल इंटू एरिया ऑफ डिस्क एरिया ऑफ डिस्क आपको दिया हुआ है क्वल टू वन मीटर स्क्वायर यहां पर दिया हुआ वन तो, तो आप क्या लिखेंगे आसान okay? तो से सवाल है कि देखने में बहुत मजा आता है सवाल को क्लिक नहीं करता एकदम सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रैंक इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट द फोर्सेज देखिए

जो प्रेशर पी यहां पे आ रहा है वही यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा तो सी और ए में कोई डिफरेंस है नहीं जितना फोर्स लगा के आप एक को उठा पा रहे हैं तो इस फ्लुड की हेल्प से दूसरे को भी उठा पाएंगे बिकॉज आई आर आइडियल फ्लूड्स तो यहां पे एफ ए और एफ सी बराबर होना चाहिए और एफ बी सबसे ज्यादा होना चाहिए तो एफ बी ग्रेटर और एफ एफ सी बराबर एफ एफ सी बराबर सी ऑप्शन राइट चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं इस सॉलिड विल ब्रेक अंडर

तो ये पीनॉट प्लस रोजी एच जो है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है दिस कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू थर्टीन atm. क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये यहां से ब्रेक कर जाएगा भाई पी नॉट प्रेशर प्रेशर खुद के कॉलम की वजह से रोजी एच हो गया आपके पास ठीक है तो पी नॉट का वे आपको दे रखा वन एटीएम एंड थर्टीन एटीएम हो गया तो रोजी एच इज इक्वल टू थर्टीन माइनस वन ट्वेल्व ए

इंटू टेन टू दावर फोर थ्री इंटू टेन थर्टी मीटर हाइट आप लगा सकते हैं इससे ज्यादा हाइट लगाएंगे तो ये टूट जाएगा ठीक है फोर क्वेश्चन नंबर फोर में से क्या कह रहा है वुडन ब्लॉक ये ब्लॉक जो नीचे है वुड का है ऊपर एक कॉइन है इस पर फ्लोर्स इन वॉटर शोन द फिगर द डिस्टेंस एन एंड एच आर शोन देयर आफ्टर सम फ्टर समाइम कॉइन फॉल्स इन टू द वॉटर तो एल और एच पर कमेंट करना है तो देखिए अगर आप कॉइन हटा देंगे तो ये ब्लॉक तो ऊपर जाएगा ब्लॉक ऊपर जाएगा तो एल तो डिक्रीज हो गया बात करते हैं एच की देखिए अभी आपके पास जो कॉइन है वो फ्लोट कर रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ कॉइन इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड सॉरी अभी फ्लोटिंग कंडीशन में अगर मैं बात करूं आपसे तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या हो रहा है

तो इनिशियल वॉल्यूम प्लेस आपके पास ज्यादा हुई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे तो इनिशियल ज़्यादा है बाद में कम है तो पानी का लेवल कम हो जाएगा पानी का लेवल कम होगा तो एच को भी घटना पड़ेगा तो एल डिक्रीज एच डिक्रीज कौन सा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पांच की बात करते हैं. Question 5 में आपको दे रखा है किस ऑफ आयरन एंड मास देखिए मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू मास ऑफ लेड तो क्या हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड ऑफ़ लेड अब आपको यहाँ पे से क्या दे रखा है अब जब आप इसको पानी में डिप करेंगे तो बायसी आयरन पे कितनी होगी आयरन पे बाइंड फोर्स फोर्स ऑन आयरन विल बीज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन इंटू जी और फोर्स ऑन लेड कितना होगा डेंसिटी ऑफ लेड इंटू सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर से लगाएगा पानी तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड इंटू जी अब आप देखिए किस पर हमारे के पास किस केस में बायसी ज्यादा है आयरन के केस में बायस ज्यादा है तो यही तो पूछ रहा है कि कहां पे आपके पास एपरेट लॉस ऑफ वेट ज्यादा होगा तो जहां बायसिस ज्यादा होगी वहां ज्यादा हल्का फील होगा ज्यादा हल्का फील आयरन को होगा तो अपन बी ऑप्शन के साथ चल चलेंगे राइट right? सही है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है सिलिंड्रिकल वेसल फिल्ड विद वॉटर अप टू हाइट एच वेट्स डब्ल्यू एंड इज रेस्टिंग ऑन हॉर्वेंटल प्लेन सिलिंड्रिकल वेसल है हाइट एच का है और इसमें यहां पे नीचे एक होल भी है आगे बताया गया फ्रिक्शन की वैल्यू जो जाएगी म्यू तो इंटू डब्ल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन ठीक है आ, एक काम करते हैं डायरेक्शन अभी जज नहीं करेंगे हम लोग डायरेक्शन जज करेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद चलिए तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आएगा म्यू इंटू डब्ल्यू ये हमें पता है। अब क्या बोला इसने? अब क्या बोल रहा है मिनिमम वेसल जस्ट देखिए, जब आप यहां पे एच हाइट का लिक्विड भरेंगे तो यहां से लिक्विड बाहर आएगा कितनी होगी रूट टू जी एच राइट तो रूट टू वेलोसिटी होगी तो इस पर थ्रस्ट फोर्स आएगा पीछे कितना थ्रस्ट फोर्स आएगा? रो इंटू एरिया इसका एरिया ए मान ले रहा हूं इंटू वी स्क्वायर अब अगर ये जस्ट बिगिन टू मूव है तो लिमिटिंग कंडीशन है लिमिटिंग कंडीशन में ये फोर्स फ्रिक्शन के बराबर कर दीजिए तो म्यू इंटू डब्ल्यू तो थर्ड फोर्स पीछे आएगा तो फ्रिक्शन आगे आएगा इसलिए मैंने वहां फ्रिक्शन की डायरेक्शन हटा दी थी तो रो ए वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू डब्ल्यू तो रो इंटू एरिया पाई आर स्कवायर लेकिन ये डायमीटर पूछ रहा है तो डायमीटर डायमी एरिया क्या होगा पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर डी इज द डायमीटर इंटू वी स्क्वायर वी स्क्तर क्या हो जाएगा आपके पास टू जी एच इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू तो इसवेशन को सॉल्व करके आप डायमीटर निकाल लीजिए ये टू सेट गया तो डी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास टू म्यू डब्ल्यू अपॉन रो इंटू पाई इंटू जी एच चेक करिए तो टू म्यू डब्ल्यू अपॉन रो इंटू पाई इंटू जी एच ये है ना अंडर रूट ले लेंगे तो डी का स्क्वायर हट जाएगा आपका राइट ठीक है ना देखिए टूट करिए फटाफट से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की नंबर में क्या है देखिए आपको दे रखा कंटेनर ऑफ हाइट एच आपको आधी रखनी पड़ेगी ऑब्वियसली बात है तो अगर आपको इस एच की वॉल्यूम को दो पार्ट में बांटना है तो दो पार्ट में ऐसे बांटेंगे एच बाई थ्री और टू एच थ्री भाई वॉल्यूम टू इंच आपके पास वन इंस टू टू में है तो टू एच थ्री हाइट तक जो है हमारे पास जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी डेंसिटी हो गई हमारे पास कितनी रो और जो नीचे लिक्विड भरा हुआ आपके पास इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास डबल कर देंगे टू रो अच्छा देखिए आपको इसमें क्या करना है आपको टाइम निकालना है टू फ्लो आउट डेंसर लिक्विड यानी कि जो नीचा लिक्विड उसको फ्लो करना है तो प्रेशर ऊपर से लगेगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनाते हैं हम लोग कैसे ध्यान से देखिए ये खाली तो नहीं हो रहा बस ये प्रेशर इक्विड कर रहा है एग्जैक्ट ठीक है तो प्रेशर कितना करेगा ये हमेशा रो इंटू जी इंटू टू एच बाई थ्री इसको एडजस्ट कर टू रो इंटू जी इंटू एच बाई थ्री यानी कि इसी लिक्विड को अगर मैं टू रो डेंसिटी के लिक्विड से आ, रिप्लेस करूं तो क्या मुझे एच बाई थ्री हाइट लेनी पड़ेगी तो कहने का मतलब है कि इस पूरे कंटेनर के सिस्टम को मैं कैसा बना सकता हूं मैं इसको बना सकता हूं कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिए I can assume it like this, कि हमारे पास टू एच बाई थ्री हाइट तक दीजिए और लिक्विड लिक्विड मतलब खाली कर दीजिए इसमें से right. तो by 3 का टूरो का लिक्विड हो गया हमारे पास बॉटम में प्रेशर सेम आ रहा है जितना इधर है उतना ही इधर है और इसमें से एच बाई थ्री आधा खाली कर दीजिए तो खाली करने वाला सवाल इसमें कैसे करते हैं ध्यान से देखिए खाली करने के लिए हम क्या करते हैं हम लोग मानते हैं कि लेट से किसी भी समय पर कंटेनर में जो लिक्विड है उसकी हाइट है राइट। अच्छा कंटेनर का एरिया क्या दिया हुआ है हमें यहां पर एरिया और होल का एरिया दे रखा है स्मॉल कैपिटल uh, ठीक है और एस की वैल्यू ए से कम मानिए है? ठीक है तो कंटेनर का एरिया हमारे पास ए है इसका एरिया एस है एस की वैल्यू ए से कम है तो इस समय पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी क्योंकि ये एरिया बहुत कम है तो भाई जैसा आप क्लास में पढ़ते हैं रूट टू जी से बाहर निकलना चाहिए तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट जो यहाँ से आएगा आपके पास विल इंटू डी वाई डीवा मतलब डीवाई कम हुआ क्योंकि जैसे ही वाय बदलेगा तो यहाँ से वेलोसिटी बदल जाएगी तो ए इंटू डी वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट यहां का यहां वॉल्यूम कम हुआ ए डी वाई दिस इज डिक्रीजिंग तो माइनस इक्वल टू बाहर कितना जाएगा हमारे पास एरिया इंटू द वॉल्यूम फ्लो रेट तो क्या होगा हमारे पास ए इंटू वॉल्यूम रूट टू वेलोसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी बाय डी टी तो ए इंटू डी वी बाय डी टी भाई ए इंटू वी इज द वॉल्यूम

माइनस एस बाई एंटू रूट ऑफ टू जी इंटू डी टी अब टाइम निकाल लीजिए जीरो से टी कितना खाली करना था पूरे में से आधा तो जीरो से एच बाई थ्री को सॉल्व कर दीजिए राइट right? नहीं आ, पहले वाई की वैल्यू थी कि आपके पास एच टू एच बाई थ्री सॉरी तो टू एच बाई थ्री से एच बाई थ्री जाना है आप तो टू एच बाई थ्री इनिशियल हाइट है फाइनल हाइट एच बाई थ्री है सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन बहुत आसान सा है आप सॉल्व कर पाएंगे आंसर आ जाएगा आपका राइट right? ठीक है

तो विस्कस फोर्स का फॉर्मुला क्या होता, इटा वी देल देल वी होता है, हमारे पास, ठीक है? तो जितना आपके पास विस्कस फोर्स है तो उसका डबल यूज करना पड़ेगा आपको फोर्स तो एक तरफ से विस्कस फोर्स क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास एच बाई टू यहाँ की यहाँ की और ये डिस्टेंस एच बाई टू है आधा वाला तो हम क्या लिखेंगे के लिए आपको दे रखी है एरिया क्या हो जाएगा लेंथ दे रखी है तो डब्ल्यू इंटू एल इसका एरिया हो जाएगा डेल वी इसकी वेलोसिटी तो वी माइनस जीरो अपॉन एच बाई लगेगा आपके पास एक तरफ से तो हमारा रिक्वायर्ड फोर्स क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा इसका टू टाइम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास यहां से टू ऊपर जाएगा तो टू म्यू डब्ल्यू एल तो यह है v by h हमें इससे को भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आना चाहिए ऊपर फोर का मतलब ए ऑप्शन लेट्स सी यस ऑप्शन आंसर है फटाफट से कॉपी कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में आपके पास क्या रखा है कि एक प्लेट है इस प्लेट को फोर्स एफ लगा के खींचना है और ये आपके पास एक दो लिक्विड भरे हुए यहाँ पे ईटा क्वेश्चन यहाँ पे फोर ईटा है

प्लस इटा ए इंटू इटा नहीं फोर इटा इंटू ए इंटू वी माइनस जीरो अपॉन डी माइनस वाई दिस इज द डिस्टेंस तो ये क्या आ गया हमारे पास एफ इज इक्वल ए इंटू वी बाहर रख दीजिए ईटा अपॉन वाई प्लस फोर ईटा अपॉन डी माइनस वाई अब आप देख पा रहे हैं कि फोर्स किसका फंक्शन है वाई का फंक्शन है ए कांस्टेंट है कांस्टेंट है जिससे आप निकाल रहे हैं तो ईटा और ईटा आपके पास दोनों दे रखा है, ईटा भी आप बाहर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो वाई का फंक्शन है और फोर्स को मिनिमाइज करना तो मिनिमाइज करने के करें लिए करेंगे? एफ बाई dy को कर देंगे। तो को जैसे आप करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा ए वी इंटू ईटा भी बाहर रख देते हैं वन

थ्री इक्वल टू डी तो वाई इक्वल टू डी बाई थ्री यानी कि अगर ये डिस्टेंस मेरे पास डी बाई थ्री है डी वन का वैल्यू तो डी टू का वैल्यू क्या आ जाएगा डी माइनस डी बाई थ्री यानी टू डी बाई थ्री तो डी टू आपसे पूछ रहा है तो डी टू बाई डी वन इज टू डी बाई थ्री अपॉन डी बाई थ्री यानी कि आंसर टू आना चाहिए देखिए फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन्थेंथ में हमसे कह रहा है लाइट ओपन फ्लोट्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर पानी के ऊपर ऑलरेडी ये फ्लोट कर रहा है फोर्स विल एक्ट ऑन द फ्रेम आफ्टर इमीडिएटलीस ड्रॉप इन साइड इट इन साइड बोला है तो एल्फा वन एंड एल्फा टू आर द सरफेस टेंशन ऑफ वॉटर यहां से ओपन है तो डिफरेंस बिटवीन एंड द दॉटर तो सोप की वजह से आएगा आपके पास एल्फा वन एल पानी की वजह से आएगा एल्फा टू एल दोनों में आपके पास जो डिफरेंस है माइनस एल्फा टू इंटू एल यानी कि बी ऑप्शन दिख रहा है हमें यहां पर तो बी ऑप्शन है आंसर ठीक है सिंपल सा सवाल है ज्यादा कुछ है नहीं इसमें नोट कर लीजिए तो क्वेश्चन नंबर इलेवन की हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आपको दे रखा है एक डैम का गेट है उसमें डैम के गेट में इधर भी पानी है इधर भी पानी है ये वाला जो पानी है इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा ये वाला पानी राइट पर फोर्स लगा राइट पे फोर्स लगा। लगाने से इस इस तरह से टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा तो आपसे ये बोला है कि अगर पानी फ्लो नहीं हो रहा यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो एच बल का स्क्वायर का वैल्यू आप बता दीजिए कितना होगा तो हमें क्या करना है हमें दो टॉर्क लिखने पड़ेंगे एक लिखना पड़ेगा दीवार पर तो टॉर्क ऑन दी वॉल तो मान लेते हैं कि इसकी जो विथ है आपको सवाल में दे रखी है नहीं दे रखी है तो एक काम करते हैं इसकी विथ हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह का एक सिस्टम है और इसकी विर्थ मान लेते हैं हम लोग से डब्ल्यू तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे जब आप एच हाइट नीचे वाई हाइट नीचे आएंगे तो डीवाई एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा इस डी वाई एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी इज इक्वल टू रो इंटू जी इन टू वाई इन डब्ल्यू इंटू डी वाई ये होगा फोर्स प्रेशर इंटू एरिया और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप टॉर्क ले तो ये हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास एच माइनस वाई तो इंटू एच माइनस वाई ये हो गया टॉर्क इस क्रॉस सेक्शन पे लगने वाले फोर्स की वजह से तो ये हो गया डी टाउ नेट टॉर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट तो रो जी डब्ल्यू बाहर ले, ले लेते हैं अंदर बचेगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाईड बाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई के लिए रो जी डब्ल्यू इंटू एच वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई क्यूब बाय थ्री जीरो से एच तक तो ये क्या आ जाएगा रो जी डब्ल्यू इंटू

एक जैसा है तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से कितनी दूरी पे होगा एल बाई टू पे डब्ल्यू एल इंटू एल बाई टॉर्क हो गया दोनों को बैलेंस कर दीजिए तो यहां से हमारे पास रो जी डब्ल्यू एच क्यूब बायस इज इक्वल टू रो जी डब्ल्यू एच एल स्क्वायर बाय टू तो आई थिंक बहुत आराम से एच बाय का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ रहा है रो जी डब्ल्यू से रो जी डब्ल्यू कैंसिल हो गया यह लगा एच स्क्वायर बाई सिक्स इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय टू तो एच स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे देखो क्या आंसर है, है आएगा कि नहीं आएगा सिक्स बाई टू आ रहा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते ट्वेल्थ तो में क्या है हमारे पास की सिलेंड्रिकल रॉड है इसका मास दिया, दिया, दिया हुआ है ले रेडियस दिया हुआ है

इंटू वॉल्यूम एम इंटू जी इंटू एल बाय फोर इज इक्वल टू आई एल्फा तो, तो रॉड का आपके पास जो आई है वो आई कितना होगा वो आई आप लिख दीजिए फटाफट से ठीक है ना तो आप यहाँ पे कुछ मत करिए अल्फा के लिए जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर दीजिए तो एल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपके पास कितना इक्वल टू तो रो वी जी इंटू एल बाई फोर इंटू आई आई मोमेंट ऑफ आप एनर्शी आपको दे रखा है सवाल में वी का वैल्यू कर रख देंगे आप आई आर स्क्वायर एल इंटू जी इंटू एल बाय फोर आई आपको सारा डेटा दे रखा है आपको कंपाइल करके पुट करना है आपका आंसर आ जाएगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या बोला लार्ज टैंक है इसकी हाइट आपके पास चार मीटर तो चार मीटर की हाइट आपके पास है अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक होज है मतलब ये uh, जो ओपनिंग है टैंक इज सील्ड एट द टॉप एंड एस कंप्रेस्ड एयर बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द टॉप

यानी कि अगर ये तीन मीटर से दो मीटर रह गया तो ये भी दो मीटर हो जाएगा तो जो एयर थी वो पहले वन मीटर में थी अब दो मीटर में आ गई है तो अगर अब मैं बात करूं कि जो एयर की वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम होगी मेरे पास एरिया इन हाइट और फाइनल वॉल्यूम होगी मेरे पास एरिया इंटू हाइट तो फाइनल वॉल्यूम इज टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम यानी कि एयर की वॉल्यूम दो टाइम एक्सपेंड हो गई है और ये आपसे कह रहा है कि आपको जो एक्सपेंशन लेना है दैट एक्सपेंशन इज कंसिडर टू बी

नहीं करेगा तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास जीरो चेक कर लेते हैं क्या जीरो है बिल्कुल है ठीक है चल तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई आपके पास एयर एक्सपेंड करेगी तो अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर से कम हो जाएगा तो लिक्विड फ्लो नहीं करेगा नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर 14 में क्या है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो ओवर अ प्लेट इज बायल टू फोर वाई माइनस वाई स्क्वायर टू मीटर वेयर इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हमसे क्या पूछ रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया स्ट्रेस तो एटा वी का आपको क्या दे रखा है फोर वाई माइनस वाई स्क्वायर तो डीवी बाई डी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू फोर माइनस टू वाई एट इक्वल टू जीरो की अगर आप बात करेंगे तो डी वी बाई डीवाई का वैल्यू फोर हो जाएगा

इक्विलिब्रियम कंडीशन है जब सेपरेशन होने वाला होगा इस बबल का यहां से तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही इधर लगेगा अच्छा अब इधर कौन रोक के बैठा है इसको सरफेस टेंशन ध्यान से देखिए कि भाई यहां पर आपके पास जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो इसको ऐसे पकड़ के बैठा तो एक्चुअली क्या होगा कि अगर मैं कॉन्टेक्ट एंगल यहां पर थीटा मान लू तो सरफेस टेंशन का फोर्स क्या आएगा टी इन टू टू पाई आर अगर ये थीटा है तो कंफर्ट साइन थीटा आएगा टू पाई आर आर कितना है हमारे पास रेडियस uh, बी है तो आर बी ही रहेगा इंटू साइन थिएटर अच्छा यहाँ पे जो ये सरफेस है बबल है तो बबल में एक्चुअली क्या होगा देखो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई लोग गलती कर देते इस सवाल में कि बबल में आपके पास दो लेयर होती है तो फोर्स टी इंटू टू पाई नहीं आएगा फोर्स आएगा टू टी इंटू टू पाई बी साइन थीटा क्योंकि दो सरफेस बनेंगी आपके पास मतलब इट विल बी ब्लोन लाइक दिस तो दो सरफेस आपके पास बनेंगी तो दोनों की वजह से सरफेस टेंशन का फोर्स आपको लेना चाहिए टू टी इंटू टू पाई बी इंटू साइन थीटा इज़ इक्वल टू रो इंटू रो इंटू एरिया यानी कि पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर वी इज द वेलोसिटी राइट है ना अब एक्चुअली क्या है कि आपको बोला गया है कि बहुत स्मॉल है होल तो अगर मैं ऐसे इस बनाऊं बनाऊँ और इसमें एक छोटा सा होल बनाऊं तो जो टेंशन होगी क्या वो हो, ऐसे नॉर्मल वर्टिकली लगेगी लगभग लगभग लग लग? तो वर्टिकल लेने वाला का अप्रॉक्सिमेटली वन पुट कर सकते हैं और यहां से आप सोल्व करेंगे तो फोर टी पाई इंटू बी इज इक्वल टू तो रो पाई बी स्क्टा आपके पास सारा पड़ा हुआ है ना पाई से पाई कट जाएगा एक बी से एक बी कट जाएगा वेलोसिटी दे रखी है कि आपको बिल्कुल दे रखी है तो टेंशन क्या आ जाएगी आपसे नहीं हमसे पूछा क्या है रेडियस पूछा है रेडियस मतलब बी का वैल्यू पूछा है तो फोर टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फोर इंटू सर से अपॉन रो रो कितना दिया हुआ हमें टू के जी पर मीटर क्यूब इंटू वी स्क्वायर आठ का स्क्वायर सिक्सटी फोर तो कितना आ जाएगा आपके पास दो चेक करिए राइट right. दो आ गया आंसर ठीक है ना मैच कर गया एकदम परफेक्टली तो, तो देखिए जो गलती इस क्वेश्चन में होती है वो यही होती है कि हम यहां टू से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं तो आंसर जो है वो सही नहीं आ पाता है डबल आ जाता है राइट थैंक यू